दोस्तों स्वागत है आपका बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपको बता दें, आज की बड़ी खबरों में लॉकडाउन में 20 अप्रैल से इन चीजों में मिल जाएगी राहत। जानेंगे विस्तार से कि किन चीजों में छूट मिलने वाली है। बात करें अगले बड़े खबर की, जी हाँ, राशन कार्ड या आधार कार्ड ना होने पर भी इस राज्य में मिलेगा राशन। जानेंगे कि किन किन लोगों को मिलेगा फ्री में राशन। इसके अलावा बिना राशन कार्ड वाले परिवारों को दिए जाएंगे 1,000 रुपए। जानेंगे किस राज्य को मिलेगा लाभ। जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से आखिरी तक देखते रहिए ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो। दोस्तों आइए फटाफट जान लेते हैं चीनी बीमारी की ताजा अपडेट। आपको बता दें कि भारत में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और यह संख्या 14,600 से अधिक हो चुकी है। इनमें से 12,000 से अधिक लोगों का इलाज चल रहा है और 2,000 से अधिक लोग अब तक सही हो चुके हैं। और आपको बता दें 490 से अधिक लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। और बात करें पूरे दुनिया की, तो अब तक 22,52,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसके अलावा 1,54,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 5,74,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। दोस्तों हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक ये आंकड़ा और बढ़ जाए। और बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, लॉकडाउन 2.0 देश की 45% अर्थव्यवस्था 20 अप्रैल से हो जाएगी शुरू, जिससे आम लोगों को मिलेगी राहत। देश भर में लॉकडाउन का दूसरा फेज शुरू हो गया है, यह 3 मई तक चलेगा। इसके लिए सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। इसके बाद ही 20 अप्रैल से कई सेक्टर के काम शुरू हो जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने जिन सेक्टर में काम करने की इजाजत दी है उनमें 65% लोग काम करते हैं। माना जा रहा है कि इस छूट से देश की 45% अर्थव्यवस्था में काम शुरू हो जाएगा। आपको बता दें, हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक जीडीपी में 34% योगदान एग्रीकल्चर का है। ऐसे में सरकार की ओर से फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, मार्केटिंग, कमर्शियल वर्क्स, मछलियों का खनाव, मछलियों का प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, कॉफी, चाय, रबर, दूध का कलेक्शन, मक्का की मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू हो सकता है। इसके साथ ही बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जी हाँ, राशन कार्ड या आधार कार्ड ना होने पर भी मिलेगा राशन। दोस्तों आदित्यनाथ ने कहा कि अगर प्रदेश में किसी के पास कार्ड नहीं है तो भी मिलेगा राशन। और बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हम आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अब तक 94,85,000 लोगों को दिए जा रहे हैं 1,000 रुपए। और जिन परिवार के पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी जीविका समूहों के माध्यम से चिन्हित कर उनकी मदद की जाएगी। दोस्तों ऐसे ही ताजा खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सिलेक्ट कर लें, ताकि हमारी वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।